क्या है, चना है, ठीक है, देखे जाओ। हाँ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे बहुत सामान है आज, भरा है सामान, देव रोटी खा ले, दे उठाते रहो उठाते रहो, आप देखो तगड़ा वाला उठा, हाँ उठा दो बच्चों, उठा लो बच्चों, ले 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 कस के खाओ, कस के उठाओ, ये आ जाओ ले लाम लाम आ जाओ, ए भैया ना डरो हम बहुत मारा बच्चा, उधर रहो उधर ही रहो, हम बहुत मारे तुमका, ले पकड़ लिए, दे रहे हैं रोटी खाओ। ये रोटी यारी कहाँ के रखी रही हो, आसी बासी सब चली आ रही, ओ मैं सिंह बते राम दो चाय नमा, लो भैया हटो हटो दिया यहाँ पर, ओ मैं सिंह बते राम दो चाय नमा, कमल जीत क्या नाम था उनका, अरे जो बेटा है इंग्लैंड में उनका, कमल जी को आशीर्वाद भैया दीजिए, और हनुमान जी के थोड़ी उनकी सद्बुद्धि हो, और अच्छी संगत में लोग बैठें, अच्छी बातों को करें, चार दिन की ज़िंदगी है, समझ गए, सब भोगना यहीं पड़ता है, कोई बुरा करो या भला करो। ए ये पतली वाली रोटी इतनी ख़राब का है, ये पैकेट कई दिन के डाली गए हैं ना मेरे ख्याल से, ये पैकेट में भरना कैसा लगा है रोटी के, हाँ अच्छा हाँ वही तो सब समझ में भरना लगी है, खाओ भैया खाओ, सब आप देख रहे हैं सब कुछ, तो इंग्लैंड में जो है वो परब जी तो उन्हीं के परिवार के लिए, कमल जीत के लिए हमारा सिर्फ यही प्रार्थना है। और भाई देखिए हम अंधेरे में नहीं ढेला चलाते हैं, देवराह बाबा, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सब तो गए उस बाबा के दर्शन के लिए, ये उन्हीं का फार्मूला है, देवराह बाबा, आप यूट्यूब पर डालो ना देवराह बाबा, सब आ जाएगा, कई सौ साल के थे वो, और मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले वो दिवंगत हो गए हैं। जाओ भैया वहाँ चना भी तो खाओ, इतना महंगा चना डाल, आओ भाई जल्दी आओ ना, ये रोटी सब यहीं खा जाएंगे, खाओ, देखिए हुजूम लगा है गाड़ी के अंदर, खाओ, कोई फल खा रहा है, कोई कमरा खा रहा है, देखो ये बच्चा अगर चिल्ला दे दब जाए केवल, सारे बंदर हमारे ऊपर अटैक कर देंगे, ये अब तुम जाओ, तुम्हारा बच्चा देखो दबा जा रहा है, चलो नीचे उतरो, हाँ यह है दुलारी, बस जल्दी रखो चलो, हाँ खाओ 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 खा लो खा लो खा लो, जरा एक एक का एक नज़ारा दिखा दो, हाँ वही दिखा दो, देखो देख लिया करो, बाद में कहो लाश लगा था ऐसा था, हमारी पीठ दिखाई किस तरह में तस्वीर दिखाई, फोटोग्राफी मतलब कोई चीज़ दिखाओ ऐसा दिखाओ, देखो सब अब सब कुछ बेदारी हो गई, अब किसी को इतना नहीं होता, यस यस यस, अब रोटी मिल गया ना, तेलम तेल लगा है रोटी में, मूँगफली भी खा रहे हैं, एक चलाओ मत, इसका चलता चलता हो गया, देखिए फरहत जीत जी आपके परिवार के लिए मैंने अरदास लगा दिया, और अच्छी भावना है, भले आपके सामने कोई भी दिक्कत आवे लेकिन जीवन में कोई मुसीबत आप पर नहीं, क्योंकि आपके विचार बड़े महान हैं, फरहत जीत सब यहाँ यहाँ बोझ में बैठे हम, अगर और नीचे गद्दी पर ना हो और हमारे यहाँ तक आ जाए तो ढक मूँगफली खाई जाए।
स्टार्ट कंपनी ला रोटी दो डबल बच्चा वाली आ गए कहां हुआ पीछे डाल डाल ये हटो कहां है वहां हूं ले 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 जाओ उसको दिया ए रुको मोबाइल तो पकड़ो हां लाओ अरे लाओ कस के दे जाओ चलो भाई अब तुम लोग हटो जाओ वहां जाके चना खाओ उसके आगे बैठ जाना देख सकते हां खाओ देखो ये दंगी की हालत देख रहे हैं ये देखो ये देखो इसे बड़ी कोई हनुमान जी की भक्ति हो तो लाखों रुपए आपको मिल जाएंगे खाली आपको सिद्ध करना पड़ेगा किससे बड़ी कोई हनुमान जी की भक्ति है हैं इनको देख करके जो मूर्त बनी तो रोटी की रोटी घर में वाइफ बनावे और उसका फोटो खिंचवा दो जय हो रोटी का फोटो खिंचवा दो और रोज फोटो देख लिया करो रोटी खाने की क्या जगबत इसी तरह हनुमान जी में लड्डू चढ़ाओ या ना चढ़ाओ पर अब जीत जी ने भी कहा कि हनुमान जी के मंदिर में जाओ तो ये सोचो कि बंदर के लिए मैंने क्या किया आपने हनुमान जी के लिए कुछ किया तो है नहीं हनुमान जी की असली सेवा है कि नहीं है हनुमान जी के जो हम लड्डू चढ़ाते हैं वो हनुमान जी खाते हैं या हम खाई थे ना तब हनुमान जी के लड्डू चढ़ा हुआ हनुमान जी तो खाते नहीं हैं हम ही लोग तो खाते हैं इनको हम अलग से ला के देंगे तभी तो इनको मिलेगा तब हाँ लेकिन बस वही बाबा जी स्वामी जी इंग्लैंड के प्रयोग जीत जी ने कहा और कपूर साहब ने कहा कि बाबा जी कोई कुछ मेहनत करना नहीं चाहता है वो चाहता है कि कोई बाबा जी उसके तकदीर को बदल दें उसके भाग्य को बदल दें चलो हो गया ठीक है खाओ मूँगफली है तो हमको शायद दो या तीन बार वो भी हमारी गलती थी हमने इनको चढ़ाया है तब काटे हैं नहीं काटा अब एक बंदर खा रहा है बार बार उसके मुंह में हाथ लगा रहा है तो अब काट लिया नहीं ऐसा नहीं काटे हाँ इनमें खतरा अगर एक बच्चा इनका दब जाए तब ये खा जाएंगे मार जाएंगे अगर एक बच्चा दब गया तो उस दिन एक कार के नीचे बच्चा मर गया यहाँ हम लोग पहले यहाँ पीछे मैदान में देते रहे लेकिन एक साहब हैं बड़े धर्मात्मा यहाँ मत खिलाओ वहाँ मत खिलाओ उनका भैया तुम वहाँ के मालिक हो चाहे जो कहो सड़क पर अब तक तीन बंदर मर चुके हैं एक बहुत बड़ा मैं अच्छा ये बंदर रहते वहीं हैं सब ये कहीं बाहर थोड़े आवत सब यही कि भीतर से आवत यहाँ मत वहाँ मत तीन बंदर मर गया अभी एक हफ्ता पहले एक बंदर का बच्चा मर गया कार के नीचे आया सारे बंदर हमारे आदमी के ऊपर बिगड़ गए इसीलिए इनका कहा गया कि बंदर की उल्टी खोपड़ी होती है कब कहाँ ने अटैक कर दे हाँ बस करो भैया ए यार ए अब चलो ए जल्दी आओ दे कुरकुरे लगाए हो जल्दी आओ वरना सारी रोटी से लोग यहाँ खा जाइए हैं और सारा चना पड़ा रह जाइए देव जल्दी आओ सब रोटी यहीं बस चलो हटो सारी रोटी तुम लोग ए अब जाओ नीचे जाओ चलो वहाँ भी तो देना है हमको चलो यह छीछा दे दो जल्दी करो चलो हटो रोजाना लोग सामान भेजते हैं हम आके दे देते हैं ना कोई रोज अभी एक जगह और करेंगे जाके वहाँ हाईवे पर वहीं जा रहे चलो रोज का नियम चलो खाओ चलो चलो धीरे चलो बस तुम ज़रा थोड़ा दूर हो जाओ नहीं कहीं तुम्हारे ऊपर ना झपट पड़े ठीक जय श्री राम का